नमस्कार छात्रों, मैं डॉक्टर प्रीति बोरा उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के गृह विज्ञान विभाग में कार्यरत हूँ। छात्रों, लेक्चर्स की इस श्रृंखला में हम बात करेंगे नैदानिक एवं उपचारात्मक पोषण के बारे में, और इस विषय के अंतर्गत हम आज बात करेंगे पहली इकाई जो है आहार नियोजन की मूल अवधारणा। इसमें हम आहार नियोजन के बारे में बात करेंगे कि कैसे हम आहार नियोजन कर सकते हैं, उसके उद्देश्य क्या हैं, और किस प्रकार परिवार में किन किन बिंदुओं को ध्यान में रखकर उचित आहार नियोजन किया जा सकता है। तो आगे बढ़ते हैं, जिसमें सबसे पहले हम इसकी परिभाषा के बारे में बात करेंगे कि आहार नियोजन क्या है। तो आहार नियोजन है जब सभी भोज्य समूह के भोज्य पदार्थों की मात्रा को आहार में इस तरह से सम्मिलित किया जाए जिससे कि परिवार के सभी सदस्यों की पौष्टिक तत्वों की मांग पूरी हो सके, उन्हें वो पौष्टिक तत्व पर्याप्त मात्रा में मिल सके और वे स्वस्थ और निरोगी रहकर अपने कार्यों को, उत्तरदायित्वों का निर्वहन पूर्ण कुशलता से कर सके। इसी को हम आहार नियोजन कहते हैं। तो किस प्रकार किया जा सकता है आहार नियोजन, इसकी प्रक्रिया क्या है? तो कुछ बिंदु हैं जिनको ध्यान में रखकर आहार नियोजन करा जाता है। पहली बात, आहार नियोजन पूरे दिन को मानकर किया जाना चाहिए, यानी कि एक दिन का आहार नियोजन संपूर्ण किया जाना चाहिए और एक दिन में लगभग 6 आहार लेने चाहिए, जिसमें 3 मुख्य आहार और 3 अतिरिक्त आहार होने चाहिए। 3 मुख्य आहार से मतलब है हमारा सुबह का नाश्ता, दिन का खाना और रात का खाना, और इसके बीच बीच में हम 3 अन्य आहार ले सकते हैं। और आहार नियोजन प्रातः 6 से 7 बजे से शुरू करना चाहिए और आहार नियोजन रात्रि के खाने पर, यानी कि लगभग 8:30 से 9:30 के मध्य बजे के मध्य होना चाहिए। और परिवार के सभी सदस्यों की आयु, लिंग, उनकी विशेष अवस्थाओं या क्रियाशीलता आदि के आधार पर पौष्टिक तत्वों की मांग को ध्यान में रखना चाहिए और उसी के अनुसार आहार नियोजन किया जाना चाहिए। और इस नियोजन की प्रक्रिया में हमें सभी भोज्य समूहों से खाद्य पदार्थ सम्मिलित करने चाहिए। आधारभूत खाद्य भोज्य समूहों के बारे में आप पूर्व की इकाइयों में पढ़ चुके हैं। तो विभिन्नता लाने के लिए भी और पौष्टिक तत्वों के उचित समायोजन के लिए सभी भोज्य समूह से खाद्य पदार्थ होने चाहिए। शिशुओं को इसमें हम सम्मिलित नहीं करते, क्योंकि शिशुओं के लिए अलग से आहार बनाया जाना आवश्यक है। तो परिवार की आहार नियोजन प्रक्रिया में हम शिशुओं को सम्मिलित नहीं करते हैं। आर्थिक स्थिति के अनुरूप होना आहार नियोजन का बहुत आवश्यक है। और आहार नियोजन करने से पूर्व हम बहुत आवश्यक है कि हम भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा जो विभिन्न आयु, लिंग, कार्यों के अनुसार पोषक तत्वों की दैनिक प्रस्तावित मात्रा दी हुई है, उनको हम ध्यान में रखें, उनको जानें और उनको ध्यान में रखें। और आहार में पौष्टिकता बढ़ाने के लिए प्रत्येक खाद्य समूह से कम 1 खाद्य पदार्थ सम्मिलित करना आवश्यक है, जिससे हमारा जो भोजन है वो संतुलित रहे और हमें सभी खाद्य पदार्थ उचित मात्रा में मिले। इससे क्या लाभ है आहार नियोजन से? आहार नियोजन से लाभ यह है कि यदि हम दिन भर के आहार का नियोजन पूर्व में करके रखेंगे तो इससे हम संतुलित आहार की पूर्ति कर पाएंगे, जिससे कि शारीरिक और मानसिक रूप से परिवारजन स्वस्थ रह सकते हैं। समय की बचत होगी, कम समय में हम अधिक काम कर सकते हैं। योजना के द्वारा काम करेंगे तो उससे शक्ति की भी बचत होगी, बजट को ध्यान में रख सकते हैं तो धन की भी बचत होगी, और परिवार की विभिन्न सदस्यों की रुचियों का ध्यान रखेंगे तो उससे संतुष्टि का भाव भी सदस्यों में आएगा और विविधता आएगी खाने में। पूर्व में आहार नियोजन करने के कारण खाद्य पदार्थ जो हम भोज्य पदार्थ बना रहे हैं खाने में उनका दोहराव नहीं होता, तो इससे भोजन के प्रति उदासीनता नहीं होती। और विशेष अवस्थाओं को हम ध्यान में रखेंगे आहार नियोजन में, तो उससे उस विशिष्ट अवस्था के जो देखभाल होती है वो आसानी से हो सकती है। जैसे गर्भावस्था में पौष्टिक तत्वों की मांग बदल जाती है, बढ़ जाती है, धात्री अवस्था में बढ़ती है, किशोरावस्था में पौष्टिक तत्वों की मांग विभिन्न प्रकार की होती है, और इससे हम खरीदारी को सरल और जल्दी कर सकते हैं। इसके बाद हम जो खाद्य पदार्थों के चुनाव में हमें कठिनाई नहीं होती आहार नियोजन के द्वारा, इससे हम विविधता ला सकते हैं। और जैसे मैंने पहले भी बजट की बात करी, तो जैसे घी, दूध, अंडा, ये सब महंगे खाद्य पदार्थ हैं, और अगर आपका बजट कम है और आर्थिक विपन्नता के कारण नहीं खरीदे जा सकते हैं ये खाद्य पदार्थ, तो इसके प्रतिपूर्ति करी जा सकती है। सस्ते फल इसके
सब्जियां, फल और सब्जियां इसके स्थान पर दिए जा सकते हैं। जैसे दूध अंडे की जगह हम दालों का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर अच्छे सस्ते प्रोटीन खाद्य पदार्थ जैसे मूंगफली का प्रयोग कर सकते हैं। और जो फल और सब्जियां हैं, ताजी फल और सब्जियां, जो मौसमी फल और सब्जियां हैं, उनको आहार में सम्मिलित कर सकते हैं। और आहार नियोजन जो है वह घर में ही नहीं, बल्कि इसका उपयोग हम छात्रावास, होटल, कैंटीन, अस्पताल, कई जगहों पे कर सकते हैं। और आपने देखा भी होगा कि कई जगह आहार नियोजन किया जाता है। और इससे जो परिवार में खाना बनाने वाला व्यक्ति होता है या गृहिणी होती है, उसको ये जानकारी हो जाती है कि कौन से भोज्य पदार्थ कौन से पौष्टिक तत्वों में भरपूर है। तो कुछ सस्ते भोज्य पदार्थों के बारे में भी जानकारी हो जाती है कि वो भी पौष्टिक तत्वों से परिपूरित और भरपूर है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ महंगे ही खाद्य पदार्थ हैं जो पौष्टिक तत्वों से भरपूर होते हैं। तो इन सब बातों का भी ज्ञान गृहिणी को होता है। और इससे क्या होता है कि आहार नियोजन से हम बची हुई वस्तुओं का उपयोग भी कई प्रकार के कर सकते हैं। जैसे बहुत अच्छा उदाहरण है कि अगर दाल बचे तो आप उसे आटे में गूंथ कर उसके पराठे बना सकते हैं, सब्जी बच जाए तो आप उसके सैंडविच बना सकते हैं। इस तरह से आहार नियोजन किया जा सकता है। अब बात करेंगे कौन से कारक आहार नियोजन को प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले है आयु। आयु एक बहुत बड़ा कारक है, क्योंकि बच्चों के, किशोरों के, वयस्कों के और वृद्धों की पौष्टिक तत्वों की मांग में काफी अंतर होता है। उनकी शारीरिक क्रियाशीलता के आधार पर, उनके वजन के आधार पर, उनके लंबाई के आधार पर कई सारे कारक हैं जो उसको प्रभावित करते हैं। दूसरा कारक है लिंग। महिलाओं में और पुरुषों में पौष्टिक तत्वों की मांग भिन्न भिन्न होती है। ये आपने भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के द्वारा दी गई अनुशंसित दैनिक पौष्टिक तत्वों की मांग में भी देखा होगा कि महिलाओं की जो पौष्टिक तत्वों की मांग होती है, कुछ पौष्टिक तत्वों की मांग कम होती है, पर कुछ विशिष्ट अवस्थाओं में जैसे गर्भावस्था, धात्री अवस्था, इनमें कुछ पौष्टिक तत्वों जैसे लौह लवण या कैल्शियम, इनकी मांग बढ़ जाती है। तीसरा है शारीरिक आकार। शारीरिक आकार का मतलब है समान आयु के व्यक्ति भी लंबाई में, चौड़ाई में भिन्न भिन्न हो सकते हैं। तो उनके आहार की आवश्यकता इसके अकॉर्डिंग अलग अलग होती है। चौथा है व्यवसाय। व्यवसाय का अर्थ है हमारी क्रियाशीलता। कुछ लोग हैं जो बहुत कम क्रियाशील होते हैं, तो उनकी पौष्टिक तत्वों की मांग भिन्न होती है उससे जो ज्यादा क्रियाशील होते हैं। जैसे रिक्शा चालक है या फैक्ट्री में काम करने वाला मजदूर है, उसकी जो पौष्टिक तत्वों की मांग होगी वो घर पे काम करने वाले या फिर ऑफिस में काम करने वाले व्यक्ति से भिन्न होगी। पांचवा है परिवार की आय। परिवार की आय अगर आर्थिक स्थिति कमजोर है तो उसके अनुसार पौष्टिक तत्वों की, क्षमा करें, भोज्य पदार्थों की जो चयन होता है वो भिन्न हो सकता है। छठी है विशेष अवस्था। विशेष अवस्था का मतलब है जैसे गर्भवती स्त्री है, धात्री अवस्था है, या फिर कोई बीमार व्यक्ति है, जैसे मधुमेह से ग्रस्त है, कोई हृदय रोगी व्यक्ति है, उसकी जो खाद्य पदार्थों की मांग होगी वह भिन्न होगी। फिर है जलवायु एवं मौसम। जैसे गर्म जगह पे रहने वाले लोगों की खाद्य पदार्थों की मांग अलग होती है, उन्हें ज्यादा ठंडे खाद्य पदार्थ और ज्यादा जलयुक्त खाद्य पदार्थ जैसे जूस और मट्ठा, छाछ, ये सब चाहिए होता है। परंतु ठंडे जगह के लोग, रहने वाले लोग जो होते हैं, वो ज्यादातर गर्म खाद्य पदार्थ पसंद करते हैं, जैसे चाय, कॉफी या गरिष्ठ भोजन पसंद करते हैं। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है धर्म। धर्म का बहुत बड़ा काम होता है हमारे आहार नियोजन में। जैसे कई सारे धर्म जो होते हैं वह मांसाहारी भोजन अलाउ नहीं करते हैं, तो उस स्थिति में भी इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। फिर है एलर्जी एवं रोग। यदि किसी व्यक्ति को किसी विशिष्ट खाद्य पदार्थ से एलर्जी है, जैसे दूध से एलर्जी हो सकती है या गेहूं के प्रोटीन से एलर्जी हो सकती है, उन स्थितियों को भी ध्यान में रखना चाहिए। फिर है खाद्यों की उपलब्धता। खाद्यों की उपलब्धता एक बहुत महत्वपूर्ण कारक है आहार नियोजन को प्रभावित करने में। कई क्षेत्रों में कुछ विशिष्ट खाद्य पदार्थ उपलब्ध नहीं होते। जैसे अगर हम बात करें पहाड़ों में, तो वहाँ पे जो
मैदानी इलाकों में पाई जाने वाली फल और सब्जियां हैं वो उपलब्ध नहीं होते, तो ऐसी स्थिति में उन आहार खाद्य पदार्थों को आहार में शामिल करना एक बहुत अच्छा डिसीजन नहीं होगा जो वहाँ नहीं मिलते। तो मौसमी फलों और सब्जियों और उस क्षेत्र विशिष्ट में पाई जाने वाली फलों और सब्जियों या कोई भी खाद्य पदार्थ को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। फिर है समय एवं शक्ति की उपलब्धता। आजकल जैसे आपने देखा है कि महिलाएं भी कार्य करती हैं घर से बाहर जाकर, तो उन उस स्थिति को भी ध्यान में अवश्य रखना चाहिए कि कैसे कम से कम समय में और उसमें हम एक अच्छा आहार नियोजन कर सकते हैं। फिर है आदतें। आदतों से अर्थ है कि कई व्यक्तियों को कुछ विशिष्ट खाद्य पदार्थ पसंद नहीं होते, जैसे किसी को चाय नहीं पसंद तो उसके स्थान पे उसको कॉफी दी जा सकती है, या फिर दूध नहीं पसंद तो दूध के स्थान पर उसको दूध से बनी हुई कुछ और चीज़ जैसे खीर या दही ये सब दिया जा सकता है। रुचि भी इसी के अंतर्गत आती है। और सदस्यों की संख्या भी बहुत महत्वपूर्ण कारक है। जैसे बड़े जो परिवार होते हैं उनमें आहार नियोजन थोड़ा सा अलग होता है जो एकल परिवार होते हैं, क्योंकि एकल परिवार में कई आहार में विविधता लाना बहुत सरल होता है और क्योंकि उसमें सदस्य कम होते हैं, पर बड़े परिवार में यह बहुत ज़्यादा इजी नहीं होता, तो इन बातों को भी ध्यान में रखना चाहिए। फिर हम बात करेंगे आपकी सिद्धांतों की कि आहार नियोजन के क्या सिद्धांत है। आहार नियोजन के सिद्धांत में सबसे पहला है पोषणीय उपयुक्तता। इससे मतलब है कि प्रत्येक सदस्यों की पोषक तत्वों की मात्रा की पूर्ति हो। जैसे परिवार में अगर कोई बच्चा है, कोई वयस्क है, कोई वृद्ध है, तो आहार नियोजन ऐसा होना चाहिए कि किसी के भी पौष्टिक तत्वों की मात्रा में कमी ना आए। तो एक उचित आहार नियोजन, एक अच्छा आहार नियोजन वही कहलाता है जो सबके ही पौष्टिक तत्वों की मांग की पूर्ति करता हो। दूसरा है बजट संबंधी मितव्ययिता। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसी महंगे खाद्य पदार्थ को आहार नियोजन करते वक्त अपने दैनिक आहार में शामिल करना बहुत अच्छा अच्छी बात नहीं है कि अगर आपका बजट उसको अलाउ नहीं करता। फिर है भोज्य भोज्य पदार्थों की स्वीकार्यता एवं स्वादिष्टता। ये कई गुणों पर निर्भर करती है, जैसे रंग में विविधता, खाने में रंगों में विविधता होनी चाहिए जिससे देखने में खाना आकर्षक लगे और उसको खाने का मन करे, और गंध में विविधता, जैसे कई खाद्य पदार्थों की सुगंध से ही हमें खाने का मन करता है, और कई खाद्य पदार्थों में एक नेचुरल सुगंध होती है जो प्राकृतिक सुगंध होती है। जैसे अगर हम बात करें बासमती चावल की, तो उसमें एक नेचुरल जो सुगंध होती है, या कुछ फलों में या कुछ और खाद्य पदार्थों में अगर ऐसी सुगंध से ही आपको खाने की इच्छा करे। फिर है रचना में विविधता। रचना में विविधता का अर्थ है कि कुछ खाद्य पदार्थ कच्चे खाने में अच्छे, जैसे फलों और सब्जियां जो होती हैं वो फल जो होते हैं वो कच्चे खाने में अच्छे लगते हैं, या सब्जियों में अगर हम बात करें तो सलाद वगैरह कच्चे अच्छे लगते हैं, परंतु कुछ खाद्य पदार्थ हैं जो पकाने पर ही हम खा सकते हैं। जैसे अगर आप मांसाहारी भोजन की बात करें, या अगर आप कुछ सब्जियों की भी बात करें, तो आप उन्हें कच्चा नहीं खा सकते, या फिर कुछ खाद्य पदार्थ हैं अगर कच्चे रह जाते हैं तो हमें अच्छे लगते हैं। चावल चावल अगर कच्चे रह जाएं तो वो हम खा नहीं सकते। फिर हम बात करेंगे तृप्ति मूल्य की। तृप्ति मूल्य मतलब कि खाना खाने के बाद हमें उसमें तृप्ति की जो फील हो वो आए। इससे इसके लिए हमें कई बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए। जैसे भोजन पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए, और शाकाहारी और मांसाहारी भोजन ध्यान में रखना चाहिए। अगर मांसाहारी भोजन कोई पसंद करता है तो उसके लिए इस बात का प्रोविजन होना चाहिए, और कुछ अवधि के लिए भोजन नहीं ग्रहण करना, जैसे व्रत वगैरह का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। और आहार नियोजन ऐसा होना चाहिए जो समय, शक्ति और ईंधन की बचत हो करे। इसके बारे में हम बात पहले कर चुके हैं। लचीला होना चाहिए आहार नियोजन। आहार नियोजन ऐसा होना चाहिए कि अगर आपके घर में अचानक कोई मेहमान आ जाए तो आप उस बात का भी ध्यान रह सके। हल्के तथा गरिष्ठ दोनों ही तरह के भोजन आहार में शामिल करने चाहिए, और मौसमी फलों और सब्जियों का समावेश अवश्य करना चाहिए। कुछ बातें हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए आहार नियोजन करते वक्त, जैसे साप्ताहिक आहार नियोजन करना चाहिए, सामान की जो लिस्ट है वो बना लेनी चाहिए, साधारण उपलब्ध सामग्री हमें ध्यान में रखनी चाहिए, रसोई घर में जो उपकरण है उनको हमें हो सके तो यूज़ करना चाहिए, और दोहराव नहीं करना चाहिए व्यंजनों में, और पौष्टिक तत्वों को प्रमुखता एक ही पौष्टिक तत्व को प्रमुखता नहीं देनी चाहिए। जैसे हर समय प्रोटीन युक्त या हर समय कार्बोहाइड्रेट युक्त नहीं देना चाहिए। सभी जो निर्माणात्मक सुरक्षात्मक और ऊर्जादायक खाद्य पदार्थों का
चयन करना चाहिए, और खाने में हमें मौसमी फल और सब्जियों इन सभी का समावेश करना चाहिए।